डिस्क ब्रेक और ब्रेक पैड्स के निरीक्षण के इस सत्र में आपका स्वागत है। इस सत्र के पूरा होने पर आप डिस्क ब्रेक के निरीक्षण की पद्धति का प्रदर्शन कर पाएंगे और ब्रेक पैड्स के निरीक्षण की पद्धति का प्रदर्शन कर पाएंगे। आइए सबसे पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए एक जांच सूची तैयार करते हैं। डिस्क ब्रेक और ब्रेक पैड्स के निरीक्षण में शामिल हैं। ब्रेक पैड के डायमेंशंस सीमा के अंदर है। ब्रेक पैड्स के घर्षण वाले पदार्थ। ब्रेक डिस्क का विजुअल इंस्पेक्शन। ब्रेक डिस्क के डायमेंशन काम करने की सीमा के अंदर है। कैलिपर पिंस। जांच के लिए टूल्स और उपकरण आवश्यक हैं। दो पोस्ट वाला लिफ्ट, न्यूमैटिक गन, टॉर्क रेंच, स्पैनर, वर्नियर कैलिपर और सी क्लैंप। चरण एक, वाहन को दो पोस्ट वाले लिफ्ट पर रखिए। चरण दो, वाहन को काम करने की सुविधाजनक ऊंचाई तक उठाइए। चरण तीन, न्यूमैटिक गन का प्रयोग कर पहिए के बोल्ट्स को निकालिए। चरण चार, वाहन से टायर को निकालिए। चरण पांच, पहिए के भीतरी भाग में कैलिपर पिंस को लोकेट कीजिए। चरण छह, स्पैनर का प्रयोग करके कैलिपर बोल्ट्स को ढीला करके निकालिए। चरण सात, कैलिपर असेंबली को उठाइए। चरण आठ, ब्रेक पैड्स को निकालिए। एक आगे के भाग से, दूसरा पीछे के भाग से। आइए निर्धारित डायमेंशन के लिए ब्रेक पैड्स की जांच करते हैं। ब्रेक पैड के घर्षण वाले पदार्थ। चरण एक, किसी खराबी या दरार के लिए ब्रेक पैड्स का निरीक्षण कीजिए। चरण दो, वर्नियर कैलिपर से घर्षण वाले पदार्थ की मोटाई मापिए। चरण तीन, ब्रेक पैड्स को बदलिए। यदि घर्षण वाले पदार्थ में दरार मिले या डायमेंशन उत्पादक द्वारा निर्धारित सीमा के अंदर नहीं है। आइए डिस्क ब्रेक के निरीक्षण की विधि देखते हैं। चरण एक, डिस्क ब्रेक पर किसी भी दरार या नीले रंग की जांच कीजिए। चरण दो, माइक्रोमीटर का प्रयोग करके डिस्क की मोटाई मापिए। उपयोग से पहले माइक्रोमीटर को कैलिब्रेट कीजिए। चरण तीन, डिस्क बदलिए। यदि डिस्क ब्रेक पर कोई दरार या नीला रंग पाया जाए या डायमेंशन उत्पादक द्वारा निर्धारित सीमा के अंदर नहीं है। चरण चार, यदि कोई खराबी नहीं मिले तो डिस्क को साफ कीजिए। एमरी पेपर से डिस्क को रगड़िए। साफ कपड़े से डिस्क को साफ कीजिए। चरण पांच, कैलिपर पिन हाउसिंग से कैलिपर पिंस को खिसकाकर बाहर निकालिए। चरण छह, किसी प्रकार के मुड़ने या खराबी के लिए कैलिपर पिंस का निरीक्षण कीजिए। अगर पिन खराब है तो उन्हें बदल दीजिए।
आइए डिस्क ब्रेक और डिस्क पैड्स को लगाते हैं। चरण एक, कैलिपर पिन पर सिलिकॉन ग्रीस लगाइए। चरण दो, सावधानी से पिन को हाउसिंग में खिसका दीजिए। चरण तीन, हाउसिंग पर लगे अतिरिक्त ग्रीस को बेकार कपड़े से साफ कीजिए। चरण चार, एमरी पेपर से ब्रेक पैड्स को साफ कीजिए। चरण पांच, एंटी रेटल शिम पर सिलिकॉन ग्रीस लगाइए। चरण छह, ब्रेक पैड के सिरे पर सिलिकॉन ग्रीस लगाइए। चरण सात, कैलिपर असेंबली में ब्रेक पैड्स को वियर इंडिकेटर के साथ लगाइए। सुनिश्चित कीजिए कि घर्षण वाली सतह डिस्क की तरफ हो। चरण आठ, ब्रेक पैड्स को अपनी जगह पर लगाइए। सी क्लैंप का प्रयोग करके कैलिपर पिस्टन को अंदर ढकेलिए और ब्रेक पैड को अपनी जगह पर लगाइए। चरण नौ, कैलिपर असेंबली को नीचे उतारिए। चरण दस, स्पैनर का प्रयोग करके कैलिपर बोल्ट को लगाइए। चरण ग्यारह, टॉर्क रेंच के प्रयोग से बोल्ट्स को निर्धारित टॉर्क तक कसिए। चरण बारह, टायर लगाइए और पहिए के बोल्ट्स को लगाइए। चरण तेरह, स्पैनर का प्रयोग कर पहिए के बोल्ट्स को कसिए। चरण चौदह, दो पोस्ट वाले लिफ्ट से वाहन को नीचे उतारिए। चरण पंद्रह, टॉर्क रेंच का प्रयोग करके बोल्ट्स को निर्धारित टॉर्क तक कसिए। चरण सोलह, दूसरे पहिए के ब्रेक पैड और डिस्क ब्रेक का निरीक्षण कीजिए। आइए ब्रेक पैड्स और डिस्क ब्रेक को निकालने, निरीक्षण करने तथा लगाने की प्रक्रिया को संक्षेप में देखते हैं।